खबर है रामपुर से। अपनी हत्या की आशंका जताने पर अब्दुल्ला आजम खान पर पलटवार किया भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने। बता दें रामपुर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक देखिए वह इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। और जिस तरीके से वह बातें बोल रहे हैं, याद करें कि वह अपने 5 साल पुराने समय को जो आज उनकी आंखों में खौफ है। वह एक जमाने में रामपुर की जनता की आंखों में था, तो ये सब वक्त वक्त की बात है। देखिए उन लोगों ने हमेशा जिस प्रशासन के जिस पुलिस की उम्मीद की है। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। प्रत्याशी है अब्दुल्ला आजम, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरी जान को खतरा है। देखिए वो इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हजारों जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता। और जिस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं, याद करें वो अपने 5 साल पुराने का समय, जो 5 साल पहले का जो समय था, जो आज उनकी आंखों में जो खौफ है, जो उनको लग रहा है कि खौफ, वो खौफ एक ज़माने में रामपुर की जनता की आंखों में था। तो ये सब वक्त वक्त की बात है। अच्छा हनी भाई, देखा जाए जिससे जब से ये क्या कहते हैं ये बयानबाजी चल रही है सपा प्रत्याशी की तरफ से, तो शुरू से लेके अब तक एक ही नाम है कि रामपुर के पूर्व DM और मुरवाद के कमिश्नर, तो क्या ये चुनाव कमिश्नर वर्सेज अब्दुल्ला आजम रहेगा? देखिए उन लोगों ने हमेशा जिस प्रशासन की जिस पुलिस की उम्मीद की है वो उसकी उम्मीद की है जो उनकी भैंसे ढूंढा करती थी। ये योगी सरकार है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस आज हिंदुस्तान में मशहूर है। तो ये सब बातें मैंने पहले भी कहा था, ये सब बातें शोभा नहीं देता। और जब बिल्ली खिसिया जाती है तो खंभा ही नोचती है, ये कहावत बहुत पुरानी है और रामपुर में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा वो तो ये कह रहे हैं कि जितने इतने हजारों रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और मतलब जिससे ये चुनाव जो प्रभावित होगा और मतदाता नहीं निकले, तो खिसिया जाता है वो इन्हीं सब चीजों पे दिमाग लगाता है। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जे कबो न रहल ऊ अब्बा, जे कबो न रहल ऊ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, करोना गईल हार बा हो, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, मोदी योगी मेल बा, राशन अनखेल बा, निवेश जोरदार बा, पढ़ल रोजगार बा, पूरा देश यह कहता, पूरा उत्तर प्रदेश यह कहता, पूरा भारत यह कहता, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के राष्ट्र प्रेम में पूरा देश यह कहता कि का यूपी में सब बा। डिज्नीलैंड मेला क्रिसमस एवं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपके शहर भदोही में अब तक का सबसे विशाल मेला डिज्नीलैंड मेला। संग काश्मीरी उलेन बाजार, ऊनी कपड़ों का विशाल संग्रह, रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने रेलवे स्टेशन के नजदीक भदोही। मेले में आए अपने बच्चों को मेले का मनोरंजन दिखाने के साथ वाटर पार्क का भी लुत्फ उठाए। मुख्य आकर्षक टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, मौत का कुआं, नौका झूला, स्कॉर्पियो, 3-in-1, चांद तारा, मिक्की माउस के साथ कश्मीरी एवं उलन कपड़ों का विशाल संग्रहालय। आपको मिलेगा भागलपुरी कपड़े, बम्बई का फैंसी टॉप, सहारनपुर का फर्नीचर, आसाम के हाथों द्वारा बना बांस का फर्नीचर, कोलकाता का अचार एवं राजकोट की ज्वेलरी का विशाल संग्रह एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, मगर याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने रेलवे स्टेशन के नजदीक भदोही।
जनपद भदोही के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपदवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा श्री साई राजपूत अजमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपदवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।